अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्ली व सल्लम अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद हयात और आज एक बाबरकत जगह पर और एक मुकद्दस जगह पर और एक मुकद्दस हस्ती के साथ मेरे साथ मौजूद हैं सादात घराने के एक चमकते दमकते और नौजवान स्कॉलर सैयद कुनैन अली बुखारी। और एक ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं, हमारे पहलू में आप देख सकते हैं कि हज़रत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हम हाज़िर हुए हैं। टाइम को देखा जाए तो टाइम कोई 12 के लगभग, और मौसम चूँकि इतनी गर्मी शदीद लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में शदीद गर्मी के बाद आज बेहतरीन मौसम किस जोर दाता अली अजवेरी के बारगाह में हाज़िर हुए और बाबरकत लोगों के साथ, और इससे बढ़कर और क्या खुश नसीबी होगी। नाज़रीन, इस पुरफितन दौर में अगर देखें हर जगह परेशानी टेंशन, और इस जगह पर आकर जो रूहानी सुकून और इत्मीनान और बाबरकत लोगों के साथ बाबरकत जगह पर। अब कुछ लोग हमारे भाई जो के कहते हैं कि अल्लाह वालों के दर पे जाने से आप लोगों को क्या मिलता है, तो ये हमारी अकीदत समझे या कुछ भी, इन्हीं के सदके मिलता है जो भी मिलता है। हुजूर दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा साल का अरसा गुजर चुका होगा, लेकिन आज भी रात के 12 बजे आप ये हलचल और ये रौनक देखें तो अकल वालों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले शाह साहब अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आपके तवसल से हमें यहाँ पर आने का एक बहुत ही खूबसूरत सा मौका मिला, और मैंने सोचा कि आज एक ऐसे मौसम में जिसमें वैसे ही रूहानी इधर सुकून है, लेकिन अब अगर देखें तो सुकून ही सुकून है। अगर मज़ार अकदस के परली तरफ अगर देखें तो वहाँ भी एक जम्मे गफीर मौजूद है, तो शायद वो इन लोगों से भी ज़्यादा उस तरफ हो। तो हम इस तरफ इसी वजह से आए ताकि रश से थोड़ा सा हट के इधर बैठ के कोई गुफ्तगू कर सकें। तो शाह साहब, अब ये सवाल है कि लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों के दर पे जाने से क्या मिलता है, आप तो खुद अल्लाह वालों से नस्बत रखते हैं। हज़रत बाबा गुल्ले शाह सरकार कुनैन शाह साहब बुखारी के दादा हैं, तो इंशाल्लाह उनके भी बारगाह में एक बार हाज़िरी देंगे। तो शाह साहब, हमें बताइएगा कि अल्लाह वालों के दर से क्या मिलता है। ये जो सवालात हम पर उठते हैं कि क्या मिलता है, तो फिर आप हमें ये थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। तो असद भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाती है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि अल्लाह वालों को ना किसी चीज़ का कोई खौफ है और ना किसी किस्म का कोई गम। तो ये बात वाज़े तौर पर कुरान और अहदीस में मिलती है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, उनको किसी किस्म का कोई खौफ, कोई रंज, कोई गम नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह वाले होते हैं। तो अल्लाह वालों को किसी किस्म का क्या डर और खौफ होगा। वली का मतलब दोस्त, तो फिर एक ही जान हुए ना। बेशक। तो जैसा कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि अगर किसी बंदे को जज करना हो कि वो कैसा है, तो उसके दोस्तों से उसकी सोहबत को देखा जाए, उसकी संगत को देखा जाए कि कैसी है। तो जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अगर उनसे दोस्ती कर ली जाए तो बंदे की पहचान उस बारगाह में भी अच्छी होती है और इस दुनिया में भी अच्छी होती है। तो इसलिए संगत का ख्याल करना चाहिए, अच्छी संगत बनानी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। अच्छे संग तरे। कोई सूफी था, कोई अल्लाह वाला था, तो बाजार से गुजर रहा था, तो वो जो है ना फेरी वाला होता है, संगतरे लगा के बैठा हुआ था, तो वो आवाज़ लगा रहा था कि अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तो वो जो अल्लाह वाला था वो गिर गया, वजद में आ गया, बेहोश हो गया। साथ वाले चाहने वाले उन्हें उठाया, होश में लाया, पूछा कि क्या हुआ, वो तो आवाज़ लगा रहा था कि अच्छे संग तरे। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको लगा कि वो सिर्फ आवाज़ लगा रहा है, वो सिर्फ आवाज़ नहीं, अपना सामान नहीं बेच रहा था, वो हमें एक पैगाम दे रहा था कि अच्छे संग तरे,
कि जो अच्छों के संग हो जाएं, जो अच्छों के साथ जुड़ जाएं, उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो तर जाता है, संग तर जाता है। बेशक। तो इसी बात से ये सबक मिलता है कि अच्छों से हमें संगत बनानी चाहिए। संगत और निस्बत के इतबार से देखा जाए तो अल्लाह वालों का दर ही वो दर है जिसकी निस्बत इस दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाती है और उस आखरत में भी फ़ायदा पहुंचाती है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के करीब तरीन होते हैं और वो हर इंसान को अल्लाह के करीब करने का बास भी बनते हैं। इंसान जितना भी उस ज़ात से दूर हो, जितनी भी दूरी हो, तो यही वो शख्सियात होती हैं, यही वो दर हैं जो अल्लाह की कुर्बत का बास बनते हैं और इनके दरमियान जो दूरी है उसको ख़त्म करते हैं, चाहे वो ज़ाहरी दूरी हो चाहे बातनी हो, और इंसान के दिल को मुनव्वर करते हैं। ये ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर आने से बंदे को दिली सुकून पहुँचता है और अल्लाह से कुर्बत का एहसास महसूस होता है। तो यहाँ आकर बंदा संवरता है, उसका बातन संवरता है। ज़ाहिर तो बंदा संवरता ही रहता है, कहीं भी निकलना हो, घर से निकलना हो, किसी दोस्त के पास जाना हो, तो इंसान अपने ज़ाहिर को संवारता है। तो हमारे शेख, हमारे मुरब्बी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब भी कहा करते हैं कि ज़ाहिर को तो संवारना ही है, ज़ाहिर से बेहतर है कि आप अपने बातन को संवारो, क्योंकि बातन को संवारना इसलिए ज़रूरी है कि बातन पर अल्लाह की निगाह पड़ती है। बातन को संवारना ज़ाहिर के संवारने से अफजल है, बेहतर है। तो बातन को संवारने के लिए अल्लाह वालों का दर बहुत ज़रूरी है, उनके दर की संगत बहुत ज़रूरी है। तो शाह साहब, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, अभी हम जैसे कि इतनी लेट नाइट और शायद कि हमारे पास ये बस ये हमारी नियत थी या जो भी कह लें कि इधर जलते चलते ही हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दर की हाज़िरी का जो शर्फ बख्शा। देखें, वही रौनकें, वही मेले, वही दिन का समा। शायद वो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दर के सदक़े, इस बारगाह के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और कामरानी ता फरमाए। और आजकल जो हालात हैं मुल्क के, हमारे बाहर जहाँ देख ले वहीं हालात आपके सामने, तो अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए। तो आखिर में ये दुआ और फिर दुआ के बाद एक शेर, फिर उसके बाद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कि सारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। वस्सलाम अल्लाह। Thank you.